अमिताज गोल्डन लिटिल व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गुजराती थेपला बनाने की रेसिपी। ये एक तरह का मेथी का पराठा होता है जो थोड़े से हम मसाले और मेथी मिक्स करके बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गुजराती थेपला बनाना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ जाए तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इवन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @अमिताज गोल्डन लिटिल। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए आप अपने इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लें ये थेपला बनाने के लिए। एक मैंने हमाम दस्ते में कोरिएंडर सीड्स, फेनल सीड्स और कैरम सीड्स, धनिया, सौंफ और अजवाइन के बीज लिए हैं। इनको आप दरदरा पीस लें और साइड में रख लें। अब ये 2 कप आटे में मैंने डाला है 1/4 कप बेसन, हल्दी, गरम मसाला, सॉल्ट और जो मसाला हमने पीसा था वो, लाल मिर्ची पाउडर और कसूरी मेथी, और इसके साथ हम डाल देंगे 1 कप चॉप की हुई मेथी की पत्तियां और 1/2 कप गाढ़ा दही डालेंगे इसमें। अब 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दें और इसका एक सॉफ्ट आटा गूंद लें। ये देखिए मैंने उसी बॉल में पानी डाला है जिसमें मेथी ली थी। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको एक सॉफ्ट आटा गूंदना है। करीबन 1 कप पानी लगेगा ये आटा गूंदने में। बहुत ज़्यादा मसले ना इस आटे को, आप सॉफ्टली ही गूंदें। ये देखिए ये रेडी हो गया है। बस अब इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसको आप ढक के 15-20 मिनट के लिए रख दें। अब एक चकला बेलन ले लें और एक छोटा बोल आटे का ले लें और इस पे थोड़ा सा सूखा आटा अप्लाई करके आप इसको रोटी की तरह पतला बेल लें। लेकिन इसको हमें काफ़ी पतला बेलना है। बस थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाते जाएं और इस पे बेलते जाएं। बहुत एक्सेस आप सूखा आटा इस पे ना लगाएं। देखिए इस तरह से आप अपनी सारे इसको रोटियों की तरह बेल कर रख लें इतना पतला। बस अब एक गरम तवा ले लें। ये देखिए मेरा तवा गरम है। ये अब इस पर मैंने डाल दिया ये, इसको पलट देते हैं। और थोड़ा थोड़ा ऑयल, आपको पराठे की तरह ज़्यादा ऑयल इस पर नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऑयल आप लगा के इसको सेक लें अच्छे से, ऐसे प्रेस कर करके किसी स्पैचुला से या जिस तरह की ये स्पैचुला मेरे पास है उससे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, बिल्कुल ये रेडी है। बस इसी तरह से आपको अपने सारे थेपले सेक कर रख लेने हैं और ये बस रेडी है। बहुत इजी है बनाने में और जो हमने इसमें कूट के मसाले डाले हैं, ऊपर से मसाले डाले हैं, उनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो खाने में बहुत मज़ेदार है। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक की तरह खा सकते हैं। ये देखिए बस इस तरह सेक सेक कर अपने सारे थेपले आप रेडी कर लें। आप इसको अचार, दही, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, जिस चीज़ के साथ आपको पसंद है। ये देखिए बस इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। बस रेडी है ये। आप करें इस रेसिपी को एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।